तुम्हें मेरी कसम है, एक से बढ़कर एक कीमती चीजें खरीदना, महंगी से महंगी खरीदना। लुंडा है, ए मैं लुंडा, चंगे भले लुंडा तो नहीं ना, मुझे नहीं लेना बा। ए हो यानिया, मुझे पता मेरी माँ ने तुझे कितनी अच्छी चीजें दी हैं। देख जोसेफ, अगर तुझे चीजों से शादी करनी ना तो कोई दूसरी ढूंढ ले, लेकिन मुझे चीजों के ताने ना दे तू। भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सारी जिंदगी तू बाहर ही रह, चल जा। मुछा कटा देती है, मुछ नहीं तो कुछ नहीं जाए तू पर। ऐसे सारे बाल समेट के ना इसे घुमा देते, ये इसको ट्विस्ट करके इसमें ना दो पीने लगा ले। मुझे भी ट्विस्ट आता है। एक ना एक इस तरह से लग गई, ठीक है, दूसरी पिन यहाँ से। देख ऐसे जूरा बना के ना इस पे हेयर स्प्रे कर देना है बस। स्प्रे कर देना तू, मम्मी पी ना जाया हो जाएगा स्प्रे। वो तो मैं बिल्कुल इसको सिखा रही हूँ ताकि वो ना पाले पे छोटे मोटे काम कर सके। चिट्टी ये बता, ये लिट्टे किस लिए छोड़ी है तूने? हाँ। अरे इस लट को पिन्ना कर दे चिट्टी। अरे नहीं ना, इस पे हम हॉट आयरन करेंगे। मैं नहीं चिमटा लवाना। ओहो मम्मी पीनो, ये दूसरी स्त्री होती है, इसे ना स्ट्रेटनर बोलते हैं, ये बालों पे यूज होती है। इससे क्या होगा? बालों की स्त्री मम्मी पीनो। हाँ। ये देख सुना, बस मैं हूँ अपने बालों को ना तय करके ना बक्से में रख दूंगी। ये मेकअप शुरू कर, चल बताती, चल लगा मम्मी पीनो। सलाम मम्मी पीनो। सलाम जे। बाजी शनास तू किधर से आ रही है? बच्चों से मिलने गई थी, रात वहीं रुक गई। उसे तेरा पुराना खसम भी तो है ना? पुराना खसम तो यहाँ पे भी है ना मम्मी पीनो, वो तो जाज है, उससे मुझे कोई खतरा नहीं। ये तो हट्टा कट्टा, इसको तो मैं मुंह नहीं लगाना चाहती। आलू मेथी के पीछे छोड़ गया था मुझे। वो तो अपनी माँ के पास भी करेले गोश्त के पीछे आ गया था, तू की चीज है। बाजी शिनास आना, मैं तेरा मेकअप करूँ। है उदा क्यों कर दियो, मेरा करो, मैं एडा बड़ा प्रोजेक्ट बैठी है उदा कर रहे हो। मम्मी पीनो तेरी ना स्किन पे फाउंडेशन नहीं बैठता। बाजी शिनास ने ग्लोइंग स्किन है, फ्रेश फ्रेश। एडा बड़ा कद्दू जिन्ना मेरा मुंह है, एदे ते सेट नहीं पैंदा, ओदे ते सेट पैंदा चुई ते, एदे ते सिखो सारे मुंह। वो बाजी शिनास बिल्कीज को ना प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि पार्लर में ना छोटे मोटे काम कर सके। अच्छा तू छोड़ इसे, मैं ना तुझे स्ट्रेट ना देती हूँ, बाजी शिनास के सारे बाल स्ट्रेट कर दे, आयरन कर दे। चल 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 करती हूँ। चल भैया किधर है तेरा? चल मम्मी भी ना मैं तेरे ही खेती कर। फिर से काम पे जा रही हूँ मैं, ने ख्वाब से जाए थे मैंने कि तू काम करेगा, मैं घर पे बच्चे संभालूंगी, लेकिन नहीं, मेरे नजीब में तो ये मजदूरी लिखी है। भास्कर ना गुस्सा ना हो। तो क्या करूं, फूलों के हार पहनाऊं तुझे? गाना सुनाओगे? वो कौन सा है? एक फूल मोतिये दमार के जगा सोनिए। अकरम मुझे सच्ची सच्ची बता रहे, तू वापस कैसे आया है? बोल रहा हूँ ना चलिए, तेरे प्यार में आया हूँ, तेरे लिए आया। झूठा, इतने महीनों से तू रो ही जा रहा था, आना होता ना तूने खुद तो तू आ जाता, इसके पीछे भी कोई साजिश है मुझे पता है, किसी ने मदद की है तेरी। बोल रहा हूँ ना तेरे लिए आया हूँ, तेरे प्यार में आया हूँ, भूखा रह सकता हूँ, तेरे बगैर नहीं रह सकता। रहन दे वड्डा यार रोमियो, तेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों दूर दूर रहंदे हो, हुजूर साडे कोलों दसो, अपने घर की मौज ही बड़ी होती है। इतनी भी क्या जल्दी है चिट्टी? हाय पता, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि मैंने रानी बाजी की शादी में तैयार करूंगी, किसी और लड़के से बात कर ली थी, उसी ने तबीयत खराब हो गई, मुझे अर्जेंट बुला लिया। तो तू वलीमे का मेकअप भी करने वाली है? हाँ क्यों नहीं, शादी का, वलीमे का, और पता है और बहुत सी औरतों का मेकअप करूंगी मैं, मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले। तो मुझे भी साथ लेके चलना, मैं तेरी मदद करा दूंगी। विकेश तुझे जरूर लेके जाती, मगर वो क्या है ना नादियां आ रही है, उसको तैयार करना, एक हफ्ते पहले से टाइम लिए।
कभी खाली हाथ नहीं बेचते, दुकानदार का असूल है कि जब दुकानदार कोई वादा करे ना तो उसे पूरा करना पड़ता है, वरना उसकी दुकान पे कोई नहीं आता। अच्छा चल तू जा। हाँ, ठीक है, देख लूंगी मैं नादिया को। चिट्टी तू किधर जा रही है? तुझे मैंने कहा था ना मेरे कजन की शादी है, मेरे बाल बनाने, मेरा मेकअप करना है। हाँ नादिया इससे मिलो, ये ना बिल्किस है मेरी भाभी, बड़ी एक्सपर्ट है मेकअप में। हाँ बड़े अच्छे बाल बनाती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है, काम तो सही कर देगी ना। हाँ ये तेरे बाल भी बना देगी, मेकअप भी कर देगी, तो खुश हो जाएगी, देखना तुझे बड़ा पसंद आएगा बाल बनाना। अरे हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जा। हाँ, हाँ, हाँ। ना बैठना प्लीज। हाँ आती हूँ मैं, जरा काम। कैसे बाल बनाने? आयरन कर दो। आयरन वो तो बड़ा ही आसान है, अभी करती हूँ, बैठ जा। आज बैठ जा। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, करंट लग गया और आयरन भी टूट गई। अब क्या होगा? अब बिल्किस आ भी जा, मुझे देर हो रही है। अरे हाँ हाँ बस आई। बिल्किस तुझे काम तो करना आता है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगी, जला तो नहीं देगी मेरे बाल? तुम्हें क्या पता, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ बाल बनाने में। अभी अगर आयरन होती ना, दो मिनट में मैं बाल स्ट्रेट कर देती, दाएं हाथ का खेल है मेरा। और ये जो ना बाल स्ट्रेट होने के बाद ना, दो मिनट में मेकअप करके भेज दूंगी। अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम कर दे, मेरे कजन की शादी है, मुझे पहुँचना है टाइम से, रात होने को आई है। हाँ हाँ तू फिक्र नहीं कर, बस अभी कर देती हूँ तेरे बाल स्ट्रेट। तेरे बाल तो ना खुलने के बाद बिल्कुल चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए। बिल्किस अभी तक तो मेरे बाल गीले ही कर रही है, आयरन कब करेगी? अरे कर दूंगी, मेरी इस्त्री ना जरा खराब है, थोड़ी देर से गर्म होती है, फौरन कर दूंगी। देख बिल्किस तुझे मेरे बालों के साथ जो भी करना है ना जल्दी कर ले, आधे घंटे से तेरी इस्त्री गर्म हो रही है, रात भी हो गई है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे कजन की शादी है, मुझे घर पहुंचना है। अरे तू चुप तो कर जा, मैं दो मिनट में मेकअप बाल करके भेज दूंगी, रुक मैं चेक करती हूँ। जल्दी कर। हाँ हो गई गरम। देख अब तेरे बाल कितने अच्छे ना स्ट्रेट हो जाएंगे। क्या हुआ? वो ना तेरे बाल ना नीचे से इतने दोम हो रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि तेरे तेरे बाल काट दूँ। नहीं नहीं बिल्किस मेरे बाल नहीं काटना, मेरे शोहर को मेरे बाल बहुत पसंद है, जान से मार देगा वो मुझे। अरे नहीं थोड़े से काटूंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा, कितनी प्यारी लगेगी तू। नहीं नहीं बिल्किस मुझे नहीं कटवाने मेरे बाल, छोड़ दे मेरे बाल। नहीं बिल्किस मुझे नहीं कटवा। किसने कहा उसके बालों में इस्त्री करने को, बोल। तो मुझे क्या पता था चिट्टी के ये हो जाएगा, आयरन ही टूट गई थी तो वापस लाके इसका जूड़ा बना देती, उसको भी तो पता था कि आयरन टूट चुकी है। सॉरी चिट्टी मुझे नहीं पता था कि इस्त्री से ये हो जाएगा। तेरा तो कुछ नहीं गया ना, मेरी बेइज्जती हुई है, चिट्टी पार्लर का नाम डबो दिया तूने। कोई गल नहीं चिट्टी, गलती हो जाती है बंदे से, माफ कर दे। मैं तुहाडे तो सारे तो चंगी हां, मैं बाल इस्त्री करांदी नहीं, खाली कपड़े इस्त्री कराती हूं। अच्छा कोई बात नहीं, जिसका काम होता है उसी को आता है ना। देख तेरे से कभी बनती है गोल फुलके वाली रोटियां? बल्किस कितनी सोनी रोटियां पकाती है। है नहीं चिट्टी, तू तो इसको बड़े पार्लर लेके जा रही थी। हाँ जाएगी बल्किस, क्यों नहीं जाएगी, चलो पार्लर का काम ना सही, सफाई कितनी सोनी करती है, तुम में से कोई हाथ लगाता है कार की सफाई को? ये पोचे मार के डस्टिंग करके कितना चमका के रखती है, उस पार्लर के तो भाग खुल जाएंगे, ऐसी सफाई वाली आ गई वहाँ पे, क्यों बल्किस जाएगी ना? हाँ वजीर साहब जाऊंगी। तू नुआ को इतना पंप ना कर, अगे सिरे चढ़िया ने बड़िया। नवी पीनो मैं भी नुआ ताड़ी। तू जरा बखरी टाइप की है ना। I'm sorry चिट्टी, माफ कर दे मुझे, स्त्री टूट गई थी। स्त्री नहीं आयरन? हाँ वो ही। ए पुदीना भी कटो, हांडी पकानी है, फैशन पे आओ, फैशन पिटिए हांडी, तेरा प्यो पकाएगा, हुण प्यो रेड़ा लेके आ जाएगा, रोटी मंगे के अबू अबू हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, पता नहीं कितने दी जुबान से तुझे बोल रही है। मुझे नहीं तुझे बोल रही मम्मी की।
मम्मी पीनो। यस पीको। मम्मी पीनो एक समोसा। मेरी बात सुन, तेरा पेट खराब रहता, लैटरी च बारी नहीं देना, हर बार कहना मैं होके आता हूँ, मैं होके आता हूँ। मम्मी पीने थोड़ा सा लिटल बाल दिया चीजा नहीं दिया। मेरे को आज काम मिल गया है। मेरी बात गौर से सुनो, आज मैं एक बंदे से मिलने गया काम के लिए ना, उसने मुझसे सीन कराया, वो भी टीवी करने का, स्टूडियो च काम मिल गया होगा। नहीं जब सीन आएगा ना टीवी पे तो सब देखना, ऐसा हीरो लग रहा है तेरा शहजादा। ले भी मेरा भरा तो टीवी एक्टर हो गया, मेरा राज तो हीरो बन गया। हाय तू आ जा, मैं पुतला रुके नहीं। हाय मेरा राजा, हाय मेरा राजा। आओ पहले 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 हमारा भरा आए। हां डोंट ईट पोटैटोस, फैट्स होते हैं इसमें। कोई फैट्स होते हैं, फैट्स ने साडा की कर लेना, की बिगाड़ना, बिगड़ गया जेड़ा बिगड़ना सी। असी ना मैं बाहर दी चीजा पवा देनी तेरे पिछे, मैं तेन दफा हो जा। कराची दिया रोड टूटिया ना, बड़ी काम आएगी रोड रोलर वास्ते, जमीन बाण वास्ते। मम्मी पीना सीन पूरा मुक गया, मैंने समोसा नहीं दिया किसी ने खान दे मुनु। छठ मेरा हाथ छुपी छुपी करती है, मैंने कहा छठ मेरा ना छोड़ू फिर। बाजी इरशाद, उसको आवाजें क्यों दे रही है? बाजी इरशाद, मैं तो चीख चीख के सारे घर वालों को बुलाऊंगी, पूरा मल्ला इकट्ठा करूंगी। भूल गई, और मैं हूं अकरम, तेरी बचपन का प्यार। भूल गई, सब कुछ भूल गई, तेरी बेवफाइयां भी भूल गई, बस नहीं भूली तो पाची इरशाद के एहसान नहीं भूली ना। कौन से कोई एहसान कर दिए उसने तेरी जात पे? तूने किए थे ना, लुभाए उसने, हाँ छट के चला गया था, तामा उसने। ऐसे वक्त में जब मुझे सारे की जरूरत थी, जब तू कुल्ला छट के चला गया था मुझे। मेरी बात सुन, अगर तू उसके खौफ से ये सब बोल रही है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है तुझे। तो नहीं है बाजी इरशाद से, ना तुझसे, वैसे भी अब मैंने कहीं और दिल लगा लिया। क्या क्या बोल रही है? मंगनी हो गई है मेरी, ड्राइवर है जो चपेड़े मारेगा ना होश दिखाने आ जाएंगे। अकरम ना है मेरा, जानती है ना मुझे अच्छी तरीके से। तुझे तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, पर तू इसे नहीं जानती।
जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, ओ जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिलो तेरे टोर वेख के, अज गड्डियां च गड्डियां भजियां नी बिलो तेरे टोर वेख के। लिपस्टिक चिट्टे के कमरे से लेती हूं ना 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 ना। ओ जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, ओ जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिलो तेरे टोर वेख के, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिलो तेरी टोर वेख के, अज गड्डियां च गड्डियां वजियां गड्डियां च गड्डियां वजियां नी बिलो तेरे टोर। जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिलो तेरे टोर वेख के, ओ मेरे दिल दियां गड्डियां वजियां नी बिलो तेरे टोर वेख के, कल फिर मेरे भरा दा वीजा आ जाएगा दुबई लई। हैं? आहो, रोड़े तोड़ने के लिए भेज दो और खुद यहाँ इजी होके बैठे रहो। तो क्या हो गया, तुझे तो बचपन से आदत है। तो मैं बताऊं भाभी मीदा, और जब पैदा हुआ था ना, मम्मी पीनो जो है फैक्ट्री में नौकरी करती थी, वो कमर से बांध के ले जाती थी, पैदाइशी मजदूर है वो सारी जिंदगी। ओए, जब तक बड़ा नहीं होता काम देख देख के आदत नहीं पड़ गई थी, अभी तक काम कर रहा है मेरा भरा। तो मेरी असल में आदत नहीं है ना काम की, मम्मी पीनो का लाडरा रहा हूँ, तुमने तो खुद देखा है। और शिव्या के बाद इरशाद ने गिलास पानी तो मेरे को पीने नहीं दिया उठा के। आहो, राजो की तरह रखा है उसने। आहो, साडे वगैरह नहीं, तूने सारी जिंदगी मेरे पे सख्ती इतनी की है, इजी नहीं होने दिया मुझे। ओ कोई नहीं, दुबई जाके इजी हो जाए, देख मुछा कटा के हो गया ना मैं इजी। आहो यार, मैं भी कटा लूंगा जाके मुछे। वैसे पापी तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मेरा साथ नहीं देती ना, मैं इधर आज घर पे नहीं बैठा होता। नहीं नहीं भाई अकरम, ये तो मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मुझे ये आइडिया दिया। बेचारा देखो एक एक को फोन करके कह रहा था कि मुझे वापस बुला लो, रो रहा है, इतना मुश्किल काम है, लेकिन कोई इसकी सुन ही नहीं रहा था। और फिर इसी ने मुझे कहा कि ना मेरी जगह तक कोई बंदा भेज दो। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी दूसरे और बंदे को क्यों भेजू, मैं दूसरे बंदे की जगह इजाज़ को ना भेज दूं, है ये चला भी जाएगा, काम से भी लग जाएगा और पैसे भी आएंगे। सारे के सारे मुश्किल काम तू मुझे ही करने के लिए भेजा कर बस। अरे कमाल के भेजेगा भी तो अपनी बीवी को। और क्या, देख देख मैं तुझसे पहले से कह रही हूँ, मुझे ना वहाँ दुबई से ना अच्छी अच्छी चीजें भी भेजना, ताकि बताइए मैंने खूब अयाशी करनी। होली होली कुछ सुन लेगा। और हाँ अयाशी बाद करो, वो पहली तनख्वाह से मेरा कमीशन देना है। बताओ अभी पैसे आए नहीं, चिपक लिया। हाँ मैं दे देंगे भाई, दे देंगे भाई, ठीक है। ओ बात सुनो, अगर कमीशन भूले ना, मैं तोतों के साथ तितली भी उड़ा देनी है। मेरी गल सुन, मेनू तो बड़ा डर लगन दिया से इरशाद आके ना कुछ स्यापा ना पा दे, मगर वो तो चुप करके काम ते चली गई। हाँ मैं तो अभी सोया ही हुआ था, तो वो मेरे सुते सुते चली गई। मैं उठा जागा, मैंने देखा घर पे थी नहीं, मेरे सुते पे चली गई हुई थी। बूटिया वे इरशाद है बड़ी बहादुर, बड़ी हीरा बुढ़ी मिली है इनू, खुद ते पोस्ती जे हर वक्त सुता रहा, मंजिया भन्न दिया। हाँ ये सोया ही रहता है चौबी घंटे। क्या काम कर, उस वक्त दिया पसलेटे मार के करवटा बदलन दे, तेरे प्यू दा घर है ना।
मैं नहीं कहंदा उनु काम ते जा, आप जांदी है अपनी मर्जी नाल नहीं गई, जरूरतां दी वजह तू गई। ओ ना जावे ते घर दीआं जरूरतां पूरियां नहीं हुंदीआं, बच्चे नहीं पालदे, मां पिओ नहीं पालदे, तेरी तरह बंदा बाल बाल नाल नहीं बसदा। ओए उठ जा और चला जा काम से, काम कर जाके निधि बुढ़ी काम कर रही है, तुम लोगों की शर्म हया उठी हुई है तुम्हारी। इतने महीने काम करके आया, मेरा हक बन दे आराम करने दा, आराम करने दो। हाँ सच के जाऊं तेरे में, आराम कर लेने दो। आए बात सुन, जा उठ जाके काम कर बाहर, को रेड़ी लगा, को फ्रूट बेच, खोटा रेड़ी लगा, स्कूल के सामने जाके झाड़ू दे, मगर घर पैसे रह गया, भावे दही पल्ले बेच, भावे भठूरे बेच। अबे बूटे माफ कर दे, की सुबह सुबह मेरे पीछे पै गया, कबूतर उड़ गए ने तेरे। कबूतर मेरे हाथ च फड़े आ, बाकी दे आ फिरन दे आ, कोई कबूतर नहीं उड़ा मेरा, जा जाके काम कर पोस्तिया। कबूतर उड़ गए ने, तू जे हाथा दे तोते उड़ान दे आवे, जाके काम कर। हराम खान दी आदत पै गई है तुहानू, बस तुहानू एवे मां काम करे, प्यो काम करे, रिशाद काम करे, बाकी हो जाएगा सब कुछ। आ गया दुबई रिटर्न बन गया तो काम भी कर, काम जेड़ा ना उदे किते बगैर हांडी नहीं पकदी। मेनू तो लगदा पता नहीं ए पीनो डाली, मेनू इंज लगदा कि जिवें ये ना दुबई गया था ना, उनको भी ये जाके कहता होगा। और सुन जाओ सुन जाओ, तुम भी लोग हो तो पापा पैसे ही बड़े हैं, सोवो आराम करो। और की हो गया अजकल दे मां प्यो, चार दिन बंदा कमाए नहीं ना ताने शुरू हो जांदे ने। समझाण नाल खर्चे नहीं पूरे होंदे, खर्चे जेड़े ना काम करन नाल पूरे होंदे ने। रशाद बड़ी बहादुर है इस काम विच, ओ ना होंदे ते सद मर जाना सी। हां ओए इसां दी जेड़ी औलाद होनी ना पिंडो, मैं ते कहना ए सुत्ता होवे इनू उठाओ, ए सिद्धे सिद्धे उठे, ऐं ऐं करके जावे खूह दे विच डिग जाए, कुएं दे विच छाल बज जाए, ओथे ही सुत्ता ही सो जा। जी जिंदगी अजाब करती मेरी, जद दफा हो जा दा, झाड़ू होंगे ना तेरे पिछे मारना। सोन जा रहे अंदर, सोन जा रहे, मर जा किधरे जाके। मैं खुदावंद करे के किसे आई नींदर नींदर च टुरदा टुरदा जावे, किसे खूह च डिग पवे, लम्मा ही सो जाए। तुझे पता है वो ना बड़ा मॉडर्न ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे ना सारी लड़कियां ना यूनिफॉर्म पहन के आती हैं, तू उनको अच्छी लगी है, तूने मेकअप शेकअप किया था ना इसलिए। तुझे तो पता है ना चिट्टी, मुझे तैयार होने का कितना शौक है, अब मैं ना तुम लोगों की सफाई के साथ साथ ना काम करना भी सीख जाऊंगी। खुदा के वास्ते किसी लड़की के बालों में इस्त्री ना कर बैठना। नहीं चिट्टी तू फिक्र नहीं कर, मैं ना सिर्फ अपना मेकअप करूंगी और अपना बाल बनाऊंगी। अरे तुझे पता है एक और काम भी है। क्या वो क्या? वहाँ पर ना एक मैडम होती है जिससे ना लड़कियाँ कोर्स सीखने आती है, वो ना उनको ना एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसमें वो मेकअप करे, बाल बनाए, वो एक क्या होता है इसे ट्रायल के लिए मॉडल। हाँ ना चिट्टी, नाम की मॉडल बन जाऊंगी। तुझे पता है तुझे पैसे भी मिलेंगे और तुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा मेकअप का। और सच्ची चिट्टी कितना मजा आएगा। अब घर चल चिट्टी, तू इतना मेकअप क्यों किया, तू टीवी जाना सी। तो मम्मी पीना मेरे बीए का ड्रामा तो आ रहा है ना, ऐसी बन ठन के रहूंगी अब मैं, स्टार की बीवी बनने वाली हूँ। हाँ बस ऐसे ही रहना, तेरे को ना बड़ी बड़ी पार्टियों में लेके जाया करूंगा अपने साथ। अचप कर अचप कर, ड्रामा शुरू होने लगा। हाँ ओ अब्बा बूटे ओपन द वॉल्यूम। बता अब्बे बूटे। मैं आवाज उची करते ड्रामा मुक गया, तू कहीं से भी होकर नहीं निकला।
ओ भाई जा तू चुप करके ना देखते रहो, आने ही वाला हूं, बड़ा अहम रोल है मेरा, सो नहीं मचाऊंगा। बड़ा अहम रोल है तेरा, अभी तक तेरी एंट्री नहीं हुई तो रोल तेरा अहम हो गया। चुप कर। ओए मेरी तो मुझे भी दर्द निकल आई, अखियां पीड़ शुरू हो गई है और मेरी अखे भी दर्द कर रही है स्टार देख देख के। मुझे ओए बात सुन, कब लग रहा तेरा ड्रामा? वो आने वाला अबे बूटे, बस देख थोड़ा सीरियस अहम रोल है। इसके बाद देखो, इस सीन के बाद देखना। देखे कहीं आपका भाई तो नहीं है? तू कितने में? ओ मम्मी पिनो, अभी नया हूँ ना, इसे छोटा सा रोल दिया है लेकिन बड़ा अहम रोल है, बस देखते जाओ। हाँ ऐसे बेटा, एक गल तो बड़ी जरूरी है, आजकल तो हर जगह में सिर्फ सिफारिश ही चल रही है। हाँ पे बूटे, ये बात तूने बिल्कुल ठीक की है ना, पर तेरा रोल क्या है? ओ बाजी मीदा, तू देखती रह, बड़ा अहम रोल है, मेरे रोल के बगैर ना इस किस्सत ने आगे नहीं बढ़ना। अच्छा बड़ा लायक पुत्र है मेरा। ओए गल सुन, तू इसमें कुछ सिर्फ डांस डूनस तो नहीं कर रहा? और नहीं नहीं अबे बूटे, बड़ा सीरियस रोल है। हाँ अच्छा सा, चल फिर देखते हैं। और चुप कर जाओ साहब, चुप कर जाओ। हाँ ओ इजी हो जाओ, चले आप यहाँ से, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता भाई, वो जिंदा है। चलो बेटा देखते हैं। राजे वो ये रोल था तेरा? हाँ हाँ, मेरा एक घंटा जाया करता है। ओहो ये ड्रामा ना तेरा, कहीं ड्रामा और कहीं तेरी लाश, लाश ही बनना था तूने। ओ बे बूटे, बड़ा अहम रोल था, अगर मैं लाश ना बनता ना तो इस औरत को पता नहीं चलना था कि उसका बेटा जिंदा है मर गया है। मेरा मतलब पता क्या है, अब इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है, इसको बड़े एहतराम से बुलाते हैं।
ये अधा ये नाज़ ये अंदाज आपका। चिट्ठी चिट्ठी फिर से एक ख्वाब। चिट्ठी आई लव यू चिट्ठी। चल जोसेफ अंदर जाके सोते। चिट्ठी चिट्ठी मुझे माफ कर दे। खुदाई कसम मैं बेचैनी जब से तू नाराज हुई मुझसे। तू मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर माफ ना करूं तो मैं तेरे घर के आके पड़ा रहूंगा। जोसेफ खुदा के वास्ते ऐसे गजब ना करना, मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। प्लीज मुझे माफ कर देना चिट्ठी। देख तो मेरा हाल। ठीक है अब जा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुझसे बात करनी है। सिर्फ सिर्फ 10 मिनट के लिए चिट्ठी। एक काम कर, सामने बैठ के पार के यहाँ पे बैठ के बात करते हैं प्लीज। ठीक है चल। तुझे याद है पहली मर्तबा हम यहीं पे मिले थे, तूने वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी तू। चले वो थोड़ी देर के लिए बढ़िया। झगड़े पर बहुत अफसोस है चिट्ठी। मुझे भी जो नहीं नहीं तेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो मैंने घर जाकर सोचा तो यहाँ पर चपेड़ी मारने का दिल हुआ। तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है चिट्ठी, इस सारी कमाई मुझ पे लुटा दी, हत्ता कि मुझे तूने मुझे नई मोटरसाइकिल भी लेके दी और खुद बसों के धक्के खाती रही मेरे लिए। और मैं महज कुछ कपड़ों और जूतों के लिए तुझसे लड़ता रहा झगड़ता रहा। मुझे माफ कर दे चिट्ठी, मुझे अपनी इस हरकत पे शर्म आ रही है। जोसेफ तुझे इस बात का एहसास हुआ मेरे लिए यही बहुत है, अब तू गम ना करा। तो तू मुझसे नाराज नहीं है? नहीं। तो फिर एक बार हंस के नहीं दिखाएगी? इतनी आसानी से नहीं हंसूंगी, पहले तुझे अपने कान पकड़ने होंगे। ये लो बाबा कान भी पकड़ लिया और बैठ भी गया नीचे। और हुक्म जो फर्ज मेरी सगी औलाद अदा करने से कासिर रही वो फर्ज तुमने पूरा किया। जौजा बड़ा ख्याल है तुझे अपने ससुराल वालों का और माँ के अरमानों का कोई ख्याल नहीं। ये सारे तू रख ले, सारे रख ले मेरा पुत्र, अपने भरा का इलाज करा, अपनी अम्मी को चंगी रोटी खवा।